हमारे यहां गोरखा रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट समय समय पर बराबर अपने शौर्य और पराक्रम का उसने परिचय दिया है और उस गोरखा रेजिमेंट का भी उद्घोष है जय महाकाली आयोरी गोरखाली, यह उसका उद्घोष है। अब आप बताइए, महाकाली तो कलकत्ता में, कामाख्या में और विंध्याचल में सब जगह विद्यमान है और महाकाली के भक्त तो इस देवभूमि उत्तराखंड के गांव गांव में मिल जाते हैं, तो कैसे भारत और नेपाल का रिश्ता यह टूट सकता है? और इसलिए धारचूला के आगे कितनी भी धारें लगा दी जाएं, इन संबंधों को बहनों भाइयों काटा नहीं जा सकता, मैं यह मानकर चलता हूं। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है, भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता तो मेरे बहनों भाइयों यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे, हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है, इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है।